दोस्तों निकल चुके हैं हम अपने सफर पर। हम आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं कि नागपुर सिटी कैसी है, कौन कौन सी चीजें यहाँ पर देखने के लिए है। हम आ चुके हैं नागपुर की बहुत ही फेमस जगह, ये समझ लीजिए हमारे नागपुर का मरीन ड्राइव है। जैसे मुंबई का मरीन ड्राइव है ना, वैसे ये नागपुर का मरीन ड्राइव है। वेलकम टू ऑटो व्लॉग्स। तो चारों तरफ देखिए हमारी गाड़ियां खड़ी है, ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करते हैं हम लोग। ये देखिए इधर सर गाड़ियां खड़ी है, और राइट साइड में भी देखेंगे यहाँ भी आपको गाड़ियां देखने को मिलेंगी। और आइए आपको संडे के दिन हम लोग कैसे पार्टी करते हुए दिखाते हैं। ये हमारे मित्र मंडल सारे पार्टी कर रहे हैं। ये देखिए बिल्कुल वेज बन रहा है, गोभी मसाला, और वहाँ पूड़ियाँ तली जा रही है। पूड़ी मास्टर देखो, और खीर भी बनाया। तो क्या बना रहे हो पांडे जी? पूड़ी बना रहा हूँ। जय माता दी। ये सारी गाड़ियाँ हम लोग ऑपरेट करते हैं, ऑल ओवर इंडिया में हम लोग रन करते हैं सारी गाड़ियाँ। ऑल ओवर सभी टाइप का माल हम लोग भरते हैं। तो ये तो हमने आपको दिखाई कि हमारे ड्राइवर भाई कैसे पार्टी करते हैं। अब आपको हम दिखाते हैं हमारे नागपुर की नाइट लाइफ और कैसे हम लोग लाइफ संडे की इंजॉय करते हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों निकल चुके हैं हम अपने सफर पर। हम आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं कि नागपुर सिटी कैसी है, कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर देखने के लिए है। नागपुर बहुत शांत सिटी है, कुछ ज़्यादा क्राइम जो है बहुत ही ना के बराबर है। दूसरी चीज के ट्रैफिक आपको मुंबई दिल्ली जैसा नहीं मिलेगा, बहुत ही शांत सिटी है, बहुत कम ट्रैफिक है। इस वक्त हम नागपुर के कामटी रोड पर हैं और हम जा रहे हैं। भाई कहाँ जा रहे हैं? भाई आज हमको कहाँ लेके जा रहे हैं? आज शाम की पार्टी भाई की तरफ से है। कहाँ जा रहे हैं भाई बताइए? अच्छा हमारे साथ कौन कौन है पहले बता दो। हमारे साथ कौन कौन है? ये हमारे भाई साहब रिंकू भाई, पीछे बैठे हैं अमन भाई। हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों अगर आपने हमारा सेकंड चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है ऑटो रिव्यू 46, हमने अभी हाल ही में टू व्हीलर्स के बहुत सारे वीडियोस डाले हैं, फोर व्हीलर के भी मिलेंगे आपको, कमर्शियल के भी वीडियोस मिलेंगे, तो जाके सब्सक्राइब कर लीजिए ऑटो रिव्यू 46। आज हमने बनाया होंडा शाइन का वीडियो, जो कि हाल ही में 100cc लॉन्च हुआ है। दोस्तों 100cc पहले अभी इसी वीक में लॉन्च हुआ है। 100cc पहले 100cc पहले 125cc आता था, अब 100cc आने लगा ना, जो कि काफी बजट फ्रेंडली भी है। ओके, और तो उसमें तो माइलेज बहुत अच्छा होगा फिर। माइलेज तो उसमें 75 का माइलेज क्लेम कर रही है कंपनी। अच्छा, माइलेज वाली गाड़ी चाहिए, कम खर्चे वाली गाड़ी चाहिए, टू व्हीलर चाहिए ऑफिस के जाने आने के लिए, तो गाड़ी आप जाके रिव्यू देख लीजिए। और स्प्लेंडर से भी वो सस्ती है गाड़ी, वो अच्छा बजट फ्रेंडली है। अच्छा 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 अच्छा, मतलब उसकी प्राइसिंग की अगर बात करते हैं तो 65,000 की गाड़ी पड़ जाती है। अरे वाह, स्प्लेंडर तो 1,00,000 के आसपास आ रही है आजकल। स्प्लेंडर तो उससे ज्यादा ही महंगी है इससे, शाइन से जो 100cc शाइन आई है। लेकिन गाड़ी का कम्फर्ट बहुत अच्छा है, ब्रेकिंग भी बहुत अच्छी है। चलो अच्छी बात है, तो देख लो दोस्तों जाके वीडियो ऑटो रिव्यू 46 पे। तो अभी हम लोग आ चुके हैं सदर में, नागपुर का बहुत ही फेमस एरिया है सदर। और सदर ऐसी जगह है, ये जाना जाता है फूड के लिए। यहाँ पे ऐसी कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आपको खाने के लिए नहीं मिलेगी, सब कुछ वेज नॉन वेज। हालांकि नागपुर में नॉन वेज को लेकर के बहुत क्रेज़ है, नॉन वेज बहुत खाते हैं लोग यहाँ पर, और नागपुर में मैक्सिमम लोग फूडी लोग ज़्यादा है। सदर बाजार है, शॉपिंग के लिए बहुत अच्छा स्पॉट है, मतलब सब कुछ मिलता है। कि भाई हमारे को बहुत ही नागपुर की बहुत ही फेमस जगह पर लेके जा रहे हैं, फेमस है, टूरिस्ट प्लेस है नागपुर की। और हाल ही में अभी हमारे श्री नितिन गडकरी जी ने उसका उद्घाटन किया था, तो वहीं पर हम जाने वाले हैं। नाम मैं आपको नहीं बताने वाला, वहीं पर जाकर ही मैं आपको वीडियो के जरिए दिखाऊंगा कि कितनी अच्छी जगह है, कितनी शानदार बनाया हुआ है। हम आ चुके हैं नागपुर की बहुत ही फेमस जगह, ये समझ लीजिए हमारे नागपुर का मरीन ड्राइव है। जैसे मुंबई का मरीन ड्राइव है ना, वैसे ये नागपुर का मरीन ड्राइव है। ये चौपाटी मान लीजिए, ये है फुटाला लेक, एक लेक है, बहुत अच्छा टूरिस्ट प्लेस है, अक्सर लोग यहाँ घूमने के लिए आते हैं, मैक्सिमम संडे को लोग तो घूमने आते ही आते हैं। ये देखिए फुटाला को भारतीय वायुसेना ने ये हेलीकॉप्टर गिफ्ट किया, ये ओरिजिनल हेलीकॉप्टर है, चॉपर इंडियन एयरफोर्स का है। इस टूरिस्ट प्लेस को इंडियन एयरफोर्स ने गिफ्ट किया है, जिसे डेकोरेशन के लिए यहाँ पे रखा गया है। संडे को काफी रश हो जाता है यहाँ पर, देखिए कितना सुंदर हो रहा है। देखिए क्या रश है, संडे के दिन यहाँ बहुत भीड़ हो जाती है।
किधर है कार उस पार गए है ना। चालू रखो ना भाई, आपने भी ऑर्डर किया है? हमने भी कोल्ड कॉफी ऑर्डर किया है, हमारे भाई ने। आपने क्या ऑर्डर किया? ब्लैक कॉफी न्यू है। भाई कॉफ़ी का टेस्ट आपका कैसा था? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छी कॉफ़ी थी भाई। आपका ठीक थी, अच्छी थी, ठीक ठाक थी। क्यों हार्ड थी क्या, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी क्या? ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। देखिए यार ऐसा नहीं करना चाहिए यार, रोड पे बच्चों ने ऐसे बाहर निकाल के। देखिए दोस्तों बिल्कुल स्मूथ ट्रैफिक, कोई ट्रैफिक नहीं, बिल्कुल नॉर्मल। क्या आपके सिटी में ऐसे ट्रैफिक है बताइए, वो भी संडे वाले दिन? दिन तो आप तो घर पहुंचने में एक दो घंटे लग जाते होंगे ट्रैफिक में। देखिए कितना स्मूथ ट्रैफिक है, इसलिए मैं कहता हूं कि बहुत शांत सिटी है, बहुत ही। तो दोस्तों इस वक्त हम नागपुर के सदर में हैं और यहां पे एक फेमस रेस्टोरेंट है, उसका नाम है हंग्री आइस। वहां से हमने ऑर्डर कर दिया है चिकन तंदूरी ऑर्डर कर दिया है। और सर्विस देखिए कितनी बढ़िया है, आपको कार से बाहर आने की जरूरत नहीं, आपके कार में ही ऑर्डर आ जाएगा। अगर कहीं बैठने की जरूरत नहीं रेस्टोरेंट में, आपको ऑर्डर देना है और कार में ही वेटर आपका खाना लेकर आ जाएगा। तो हम वेट कर रहे हैं, अभी हमारा चिकन तंदूरी आने वाला है। दोस्तों हमारी देखो प्लेटें आ चुकी हैं, चटनी भी आ गई है, बस तंदूरी का इंतजार है, आते ही खाने लगेंगे, रुकेंगे नहीं, बुक कर लोगे हम लोग। ये भाई हमारी आ गई तंदूरी, आइए वेलकम, तंदूरी खाइए, खाने के बाद दोबारा मिलते हैं। आज का व्लॉग यहीं खत्म करते हैं क्योंकि बहुत रात हो चुकी है। कंटिन्यू करेंगे इस व्लॉग को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्या करना है अभी आपको? सब्सक्राइब।